Only three nations have ever touched down on the moon itself. None of them, however, have successfully reached the moon's south. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The lunar probe Chandrayaan-3 touched down just a short while ago, following weeks of nail-biting anticipation across the nation. Finally, हमारी वही एक बात है कि हिंदुस्तान को हम सुपर पावर देखना चाहते हैं दुनिया में, और जब तक हिंदुस्तान सुपर पावर दुनिया में नहीं बनेगा, तब तक शांति नहीं आएगी दोस्तों। India will set out to do what Russia couldn't and crack a moon mystery. It'll attempt to become the first country to land a spacecraft on the unexplored lunar south pole. और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से तीन दिन पहले, मैं कहा मिठाई आएगी, और बिलीव मी कि मैंने चंद्रयान की खुशी में ये मैंने दो तीन घंटे पहले, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कहा खैर है कोई नहीं, मिठाई फिर भी हम खाएंगे, हमें फिर भी खुशी होगी। इस पे सभी को खुश होने की बात है, और इस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए, तेरे काम करते हुए और सक्सेस करते हुए, और पैसा कमाइए और हमें उधार दीजिए। हाय हाय तो आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए, और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चांद के कुतुब जनूबी पर लैंड कर जाएगा, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सोशल फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला सबसे पहला प्रोब बन चुका है, और इसके बाद इसरो वहां पर खोजबीन करेगा और देखा जाएगा कि वहां पर पानी मौजूद है और किस हालत में मौजूद है, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं चंद्रमा की मिट्टी में, और वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं या नहीं। और इस मिशन के सफल होने के बाद पूरी दुनिया का मीडिया भारत को बधाइयां दे रहा है, भारत को मुबारकबाद दे रहा है, और पूरी दुनिया का मीडिया भारत के सक्सेसफुल होने के पीछे हैरान और भौंचक्का हो रहा है, और भारत की ताकत को भी पहचान रहा है कि भारत का इसरो इतना कैपेबल है कि रशिया के लूना 25 के असफल होने के बाद भी भारत के वैज्ञानिकों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके दिखाया और दुनिया को ये बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। बड़े बड़े तुर्रम खान भी ये काम नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस मुश्किल को आसान करके भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को ये बधाई का दिन दिखाया है। और अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इस समय भारत चौथा देश बन चुका है जो पूरी दुनिया में अपना सीना ठोक कर कह सकता है कि हमने वहां पर लैंडिंग करके दिखाई जहां पर कोई भी देश नहीं उतर पाया। और आप सबको चंद्रयान 3 के सफल होने की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हु इज हियर टू एनकरेज अस, एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे, हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition. In Mumbai, Rebecca, this is a moment of national pride for India. Walk us through what the reaction has been like on the ground. It's a huge moment of national pride. People ahead of this were literally praying for the mission to be successful, gathering at temples, churches, mosques, performing rituals to pray for the spacecraft to successfully land. और जब लूना 25 की खबर कंफर्म हुई कि वो क्रैश हो गया है, तो यकीन करें कि दिल उस दिन से लेकर अभी तक काफी ज्यादा घबरा रहा था। और दोस्तों, कुछ समय पहले जब हम ISR और ऑफिशियल चैनल देख रहे थे, तो यकीन करें कि लैंडिंग करते वक्त दोस्तों हमारी क्या हालत थी हम आपको बता नहीं सकते। फाइनली दोस्तों सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो है दोस्तों बिल्कुल चंद्रयान 3 को कामयाबी दी है।
और सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और पूरी दुनिया के मुस्लिम जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ है और ये हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम मरते दम तक हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान जो है वो दोस्तों हम बस फाइनली हमारी वही एक बात है कि हिंदुस्तान को हम सुपर पावर देखना चाहते हैं दुनिया में, और जब तक हिंदुस्तान सुपर पावर दुनिया में नहीं बनेगा तब तक शांति नहीं आएगी दोस्तों, ये बात याद रखना। अगर दुनिया में तरक्की देखना चाहते हो और दुनिया में अमन और शांति देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनना पड़ेगा। इफ दे आर एबल टू अचीव व्हाट वी कॉल अ सॉफ्ट टचडाउन, दे विल बी द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अचीव्ड दिस, राइट बिहाइंड द यूएस, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना एज वेल। सो दे आर वेरी न्यू टू द गेम बट दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। इस पे सभी को खुश होने की बात है और इस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की जरूरत, मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे, अगर आप इस पे ये समझेंगे कि ये तो जैसे कि हमारे उधर होता है कि ये दुश्मनी वुश्मनी, दुश्मन मुल्क ये, और इसके ऊपर तो ये आप कहेंगे कि आप जल भून के राख हो गए हैं, और क्योंकि आपकी अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की आपकी एजुकेशन है वो किस लेवल की है वो आप जानते ही हैं कि किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की, और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं और हम उसके बाद बड़े फूले नहीं समाते कि एक साइंसदान ऐसा आ गया कि जो पानी से गाड़ी चलाकर दिखाएगा, और फिर उसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम, और हमें असल में जो ढूंढने की जरूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहां से हासिल करें। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद मैं ये समझती हूं कि ये एक ऐसा मोमेंट है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया की तरफ हाथ इसलिए बढ़ाए कि आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, उनको चाहिए। सर ये वो वक्त आ गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को, अपने यूथ को जिस स्टूडेंट पर लगाया हुआ है आपने बेचने पर, वो अब आप छोड़ दें, इससे कुछ नहीं बनना, मैं आपको बता रही हूँ, मजीद पीछे चलते चले जाएंगे, गढ़े में गिरते चले जाएंगे, मत करें ऐसा। जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वक्त इस मुल्क की वो ये है, यानी कि पाकिस्तान की, उस मुल्क की वो ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है नौजवानों में फैलाएं, वो बाकी हर तरफ से हट जाएंगे। ए जी तुम तुम परेशानियां आ गया ने ना गए थे एक्टिविस्ट बन रहे हैं, ये तो इस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को वो करें, या तो ऐसे हो गया तो हो गया, रैलियां निकल रही हैं तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बिल बोर्ड उठा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तस्वीरें उठा उठा के वो कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इन सब से भी आपको उसी वक्त पता चलेगा, निजात मिलेगी कि जिस वक्त आप उनको एजुकेशन की तरफ लगा देंगे। अब देखें कि इंडिया यहाँ पर कैसे पहुंचा, आपको पता है कैसे पहुंचा है हमसाया मुल्क भारत कैसे पहुंचा यहाँ पर, उनके आपने देखे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज की जो बात की जाती है, पूरी दुनिया में इस वक्त उनके नौजवान टेक में रूल कर रहे हैं, और अब वो स्पेस पर भी रूल कर रहे हैं। कॉस्मोस में कहा जा रहा है कि ये ग्रेटर इन्फ्लुएंस है इंडिया का, इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि यूएसए, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना के बाद इंडिया पहुंच गया है चांद पर, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है के जो साउथ पोल पर भी पहुंच गए और कामयाबी से उसने लैंड भी कर लिया। और ये मिठाई जो मैंने कमिटमेंट की थी और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से तीन दिन पहले, मैं कहा मिठाई आएगी, और बिलीव मी कि मैंने चंद्रयान की खुशी में, ये मैंने दो तीन घंटे पहले, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कहा खैर है कोई नहीं, मिठाई फिर भी हम खाएंगे, हमें फिर भी खुशी होगी, लेकिन ये है वो मिठाई बर्फी है और सारा कुछ मुझे वैसे भी पसंद है, मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ा मौका है तो मैं मिठाई भी एंजॉय करूंगा और शो जो है वो आरजू होस्ट करेंगी और बीच में से मैं भी नहीं मैं होस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ थोड़ी सी ओपनिंग करना चाह रही थी, और खैर उसके लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आप भी आप कर सकती हैं मैडम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हम लोग खासतौर पे अभिषेक जी और सुमित जी, हम लोग तो बहुत टाइम से एक्साइटेड थे कि जी क्या होगा, और एक दो दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी तो मैंने कहा लो जी तो चमत्कार ही हो गया, तो मैंने कहा आज सूरज किधर से निकलेगा, फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। yes. और बहुत मुबारकबाद हो, वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है इसलिए मेरे पास लड्डू है, और आप दोनों जो है ना जो हरकतें कर रहे हो, हमने गुलाब जामुन भी रखे हुए, कतर भाई का गुलाब जामुन मस्त करने लगी, ये देखिए बलून भी मैंने छोड़ दिए, और
ये भी है और बहुत मुबारक हो, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है और यकीनन हम दुआ करेंगे कि आगे भी हम इसी किस्म की आप लोगों को देखते रहे काम करते हुए और सक्सेस करते हुए और पैसा कमाइए और हमें उधार दीजिए और हाय हाय कीजिए अभिषेक जी आज खुशी का दिन है। आज वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आरजू को, लेकिन हाथ से जाने नहीं दिया, इन्होंने कहा कि इमोशनल होकर क्या पता है मोदी जी थैला इधर किधर फेंक देना कि यार एक थैला इनको दे ही दो। तो अभी क्या कहेंगे साउथ अफ्रीका में बहुत बिजी है।